बुधवार को बिलासपुर के घुमारवीं में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान एनएसयूआई ने केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण में देरी और हिमाचल विश्वविद्यालय नियुक्ति प्रक्रिया में हुई धांधली में पारदर्शिता लाए जाने की मांग की। एनएसयूआई की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन बिलासपुर के घुमारवीं में किया गया। ये बैठक एनएसयूआई के अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सबसे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी गई। इसके बाद बैठक में एनएसयूआई की प्रदेश स्तर के लिए रणनीति बनाई गई। इस बैठक में मुख्य मुद्दे पर चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार छात्रों के मुख्य मुद्दों को दरकिनार कर रही है और छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में देरी और विश्वविद्यालय में चयन प्रक्रिया में जो धांधली हुई है उसमें पारदर्शिता लाई जाए। छत्तर सिंह ठाकुर ने कहा कि बीएससी नर्सिंग छात्राओं को प्रमोट किया जाए और जेबीटी टेट की परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसी दिन जेबीटी की कोर्स परीक्षा भी होनी है। प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है ये बिलासपुर में की गई। इसमें कोरोना के समय में चलते जो सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए अनुसरण करते हुए आगामी जो रणनीति है उसके लिए हर जिले से जिलाध्यक्ष, प्रदेश के महासचिव और प्रदेश के सचिवों को हमने यहाँ पे मुख्य तौर पे बुलाया है, जिसमें एनएसयूआई पुराने जो हमारे एजेंडे हैं उन पे काम करेंगे, जिसमें पिछले जो एजेंडे हैं वो जो पूर्ण भी हुए हैं। एनएसयूआई में जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया गया है उसके लिए, और आगामी जो रणनीतियाँ हैं जिसमें बीएससी फर्स्ट जो नर्सिंग की जो छात्राएँ थी उनकी जो परीक्षाएँ हो रही थी कोरोना काल में, उस परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया, जो एनएसयूआई की जीत है। और आने वाले समय में जो मुख्य उद्देश्य है, एक पहला जो उद्देश्य है आने वाले समय में जो रीजनल सेंटर धर्मशाला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो मांग है लोअर हिमाचल के लिए, कांग्रेस पिछली कांग्रेस सरकार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दिया गया था, लेकिन आज केंद्र व प्रदेश की जो सरकार है भाजपा सरकार है उनमें दोनों जगह सरकार होते हुए भी आज ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जो है देना चाहती है। और दूसरा जो मेन एजेंडा है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियों में धांधलियाँ हो रही है उसकी पारदर्शिता बनाने के लिए और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, जिसमें काबिल लोगों को आगे लाया जाना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो योग्य उम्मीदवार है, योग्य प्रार्थी है, उनकी योग्यता को दरकिनार करके भाजपा के लोगों को लगाया जा रहा है। इसी मुख्य उद्देश्य को लेकर हमारी जो बैठक हुई है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।